क्वेश्चन ये है कि पार्ट वन में एक वाटर पंप है जो एक मिनट में 1000 kg वाटर को 10 मीटर से लिफ्ट करता है और उसको 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इजेक्ट करता है। तो हमें वाटर पंप का हॉर्स पावर फाइंड करना है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। पार्ट वन, तो यहाँ पर जो मोटर है वो 1 मिनट में मतलब 60 सेकंड में 1000 kg वाटर को पहले 10 मीटर से लिफ्ट करता है और फिर वाटर को 10 मीटर पर सेकंड से इजेक्ट करता है। ठीक है, तो पहले ये फाइंड करेंगे कि जो मोटर है वो 60 सेकंड में वाटर को कितना एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो 1000 kg वाटर को 10 मीटर से लिफ्ट करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो mgh के इक्वल है, m इंटू जी इंटू एच। ठीक है, तो वाटर को लिफ्ट करने में इतना एनर्जी रिक्वायर्ड है प्लस वाटर को काइनेटिक एनर्जी भी देना है। ठीक है, तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो जाएगा 1/2 mv², 1/2 × मास × v², दैट इज 100। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 लाख प्लस मिल जाएगा 50,000। सो दिस इज इक्वल टू 1,50,000 joule। ठीक है, तो जो वाटर पंप है वो 60 सेकंड में इतने एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो वी हैव वाट इज इक्वल टू 1500/60 कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू 2500 watt। ठीक है, आंसर हो गया। अगेन इसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करते हैं, दिस इज इक्वल टू 2500 / 746 एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.35 horsepower। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट टू को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट टू में 1000 kg का एक मोटर कार है जो डाउन द इंक्लाइन 64 km/h स्पीड से मूव कर रहा है जब मोटर कार का इंजन स्विच्ड ऑफ है। अगेन मोटर कार अप द इंक्लाइन 48 km/h से मूव करता है जब उसका इंजन स्विच ऑन होता है। ठीक है, और ये गिवन है कि मोटर कार पर जो रेजिस्टिव फोर्स है वो उसके वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो हमें मोटर कार का इंजन का पावर उस समय फाइंड करना है जब मोटर कार अप द इंक्लाइन 48 km/h से मूव कर रहा था। ठीक है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर एक इंक्लाइन है जो 1:20 है, मतलब 20 मीटर हॉरिजॉन्टल मूव करने पर जो इंक्लाइन है वो 1 मीटर से राइज करता है। ठीक है, अगेन ये एंगल थीटा है एंड वी हैव 10 थीटा इक्वल टू 1/20 एंड थीटा इज स्मॉल, सो वी हैव
टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 1/20। अगेन ये मोटर कार है जो डाउन द इंक्लाइन वी वन से मूव कर रहा है, ठीक है, वेयर वी वन इज इक्वल टू 64 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 64 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर मोटर कार का इंजन स्विच ऑफ है, ठीक है, लेकिन जो मोटर कार है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो कंफर्म है कि मोटर कार पर जो फ्रिक्शन लग रहा है अप द इंक्लाइन एफ वन वो डाउन द इंक्लाइन वेट का जो कंपोनेंट है उसको बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो डाउन द इंक्लाइन वेट का कंपोनेंट एम जी साइन थीटा के इक्वल है, ठीक है। सो वी हैव एम जी साइन थीटा इक्वल टू एफ वन, दैट इज रजिस्टिव फोर्स ऑन द मोटर कार, एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव कॉन्स्टेंट के इंटू वी वन स्क्वायर, ठीक है। लेट दिस इज इक्वेशन वन। अगेन कार को अप द इंक्लाइन मूव कराते हैं, थीटा, ठीक है। अगेन जो कार है वो अप द इंक्लाइन मान लेते हैं वी टू स्पीड से मूव कर रहा है, वेयर वी टू इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर, दिस इज इक्वल टू 48 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगेन इस केस में इंजन स्विच ऑन है, ठीक है, तो इंजन जो है वो ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा और जो ग्राउंड है वो मोटर कार को अप द इंक्लाइन फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मोटर कार पर अप द इंक्लाइन एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, एंड दिस फोर्स एफ इज टू द पावर सप्लाइड बाय द इंजन, ठीक है। अगेन मोटर कार का वेट डाउन द इंक्लाइन एम जी साइन थीटा के इक्वल है और इस पर जो रेजिस्टिव फोर्स है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगेन डाउन द इंक्लाइन मोटर कार पर रेजिस्टिव फोर्स मान लेते हैं एफ टू के इक्वल है, ठीक है, वेयर एफ टू इज इक्वल टू के इंटू वी टू स्क्वायर, ठीक है। सो वी हैव नेट फोर्स ऑन द मोटर कार इक्वल टू जीरो बिकॉज इट इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, सो वी हैव F इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एफ टू, दैट इज के इंटू वी टू स्क्वायर, ठीक है। लेट दिस इज इक्वेशन टू, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले F की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं कि K की वैल्यू इक्वेशन वन से इक्वेशन टू में पुट करते हैं, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट F इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस वी टू स्क्वायर इंटू के, एंड के इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा बाई वी वन स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा कॉमन, तो जाएगा वन प्लस V2 माइनस V1
होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इंप्लाई दैट एफ इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 1000 इंटू जी इंटू साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/20, 1/20 बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल इंटू 1 प्लस v2/v1। तो यहाँ पर v2/v1 हो जाएगा 48/64, दैट इज 3/4। स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा 500 इंटू 1 प्लस 9/4, दिस इज 25/16। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू हो गई। सो वी हैव पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी दैट इज v2। सो दिस इज 500 इंटू 25/16 इंटू v2 दैट इज 48 इंटू 5/18। ठीक है, तो जाएगा 3, दिस इज अगेन इक्वल टू 6, सो दिस इज इक्वल टू 6/25/00 डिवाइड बाई 6 एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10416.6 वॉट। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।